6ix9ine न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ किरण यादव। हमने आपको बताया था कि कैसे मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब हुई और कैसे उनका निधन हुआ। पल पल का आपको अपडेट दे रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा क्या, कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। लगातार हमने आपको बताया था कि मुलायम सिंह यादव को 2 अक्टूबर को सांस लेने में शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उसके बाद लगातार तमाम दिग्गजों ने उन्हें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या फिर RJD के, आम आदमी पार्टी, तमाम दलों के नेताओं ने, तमाम दलों के दिग्गजों ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आपको हम बताते चले कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें भी साझा की थी मुलायम सिंह यादव के साथ जो उनकी थी, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कैप्शन लिखा था। उन्होंने कहा था कि धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव से हम सबको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम आपको बताते चले कि उन्हें धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो हमेशा ही जनता से जुड़े हुए सवाल आगे रखते थे, जनता की समस्याओं का समाधान करते थे और जितने भी जमीन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब से मुलाकात करते हुए चलते थे। तो लोगों को अभी तक ये लगता है कि मुलायम सिंह यादव से लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और आपको इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि मुलायम सिंह यादव और हम बात करें मायावती के बारे में, तो मायावती जो अंतिम संस्कार हुआ था तब मुलायम सिंह यादव का, तो वहां पर नहीं पहुंची थी। तब से ही बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो मायावती है वो मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार पर क्यों नहीं पहुंची। आपको हम बताते चले कि पहले बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन भी था, मुख्यमंत्री भी बनी थी और आपको हम बताते चले मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी अच्छी तालमेल थी, लेकिन जिसके बाद वो जो गेस्ट हाउस कांड हुआ उसके बाद बसपा ने समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन देखिए इस बीच सबने राजनीति को अलग रखा, राजनीति को अलग रखकर सबने अपनी इंसानियत दिखाई थी। वहां पर ऐसे तमाम दिग्गज थे जो मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार पर पहुंचे थे, लेकिन मायावती वहां पर नहीं पहुंची। अब ऐसे में जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद आने वाले समय में जो मायावती है वो समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मायावती आने वाले कुछ समय में अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकती है, अखिलेश यादव से के पास जाकर, उनके घर जाकर उनका हालचाल भी पूछ सकती है। क्योंकि देखिए पहले तो मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में संबंध अच्छे थे, लेकिन गेस्ट हाउस कांड होने के बाद उस संबंध में कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिली और फिर बसपा ने अपना समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन अभी जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि आने वाले समय में कि बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना बहुत ज्यादा लाजमी है और कहीं ना कहीं चांसेस भी है कि शायद मायावती अखिलेश यादव से बातचीत कर सकती है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि क्या आने वाले समय में बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, क्या मायावती अखिलेश यादव से जाकर के पास जाकर जो उनके बीच में जो तकरार है उन सबको खत्म कर सकती है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़।